Good morning to all of you. Let's crack UPSC CSE with India's largest online learning platform, that is an academy. So yahan pe aapko provide honge daily live classes, structured course, live test, quizzes aur unlimited access milega aapko bahut sari awesome videos ka. To iske liye kya karna hai aapko? Iske liye aapko bas an academy learning app ko download kar lena hai. और उसके बाद आपका सारा काम इजी पीजी हो जाएगा और आराम से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट मी, मायसेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 इयर्स इन करंट अफेयर एंड जीएस. अनअकैडमी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है 100+ टॉप एडुकेटर इन यूपीएससी सीएसई कैटेगरी, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को एकदम जबरदस्त मस्त बना देंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मृणाल पटेल, रोमन सैनी जैसे सर टॉप फैकल्टीज आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इन यूपीएससी सीएसई कैटेगरी. चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. सो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपको प्रोवाइड होगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चरल शेड्यूल. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अनअकैडमी में प्लस में प्रोवाइड होती है. तो 12 महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका, इसकी कॉस्ट है 49,500 रुपीज. और अगर आप इस पे आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मात्र पड़ेगा 44,550 रुपीज का. दूसरी हम बात करते हैं कि इससे बेहतरीन एक सब्सक्रिप्शन प्लान और है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और इसका सबसे मेन बेनिफिट है यहाँ पे आपका एक पर्सनल कोच मिलता है आपको, ठीक है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है जो आपकी तैयारी को एकदम ऑसम और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा. यहाँ पे आपको डेली मेंस क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा और साथ में प्लस की जितनी भी फैसिलिटीज हैं ये तो सारी आपकी मिलेंगी, ठीक है. चलिए तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं. तो अब हम आगे देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या रहेगी. तो 12 महीने का जो ये सब्सक्रिप्शन है ये आपका पड़ेगा 69,500 रुपीज़ का. बट अगर आप इस पर आलोक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये मात्र आपको पड़ेगा 62,550 रुपीज़ का केवल, ठीक है. तो दिस विल बी द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर यू और सबसे मस्त सब्सक्रिप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए आपको एक पर्सनल मेंटर, एक पर्सनल फैकल्टी अलॉट होगी जिससे आप अपने सारे डाउट पूछ पाओगे, सारा एक्सपीरियंस उसका जान पाओगे और वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा. अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने ऑप्शनल को केवल तैयार करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के लिए अनअकैडमी एक ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन लेके आया है जिसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 27,500 रुपीज़, ठीक है. और अगर आप इस पर अनलॉक क्वालिटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा कितने का? ये पड़ेगा आपको 24,750 रुपीज़ का, ठीक है, केवल. चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए बेहतरीन यूपीएससी कॉम्बैट लेके आया है जिसे अगर आप खेलते हैं और अच्छे से पढ़ के इसे देते हैं तो आप आराम से यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स जीत सकते हैं और साथ में बहुत सारे गिफ्ट आपको जीतने का यहाँ पे मौका मिल सकता है. यह हर 15 डेज में होगा, ठीक है, और क्या नाम है अल्टरनेटिव संडेज को. और आपको यहाँ पे 13 कॉम्बैट्स मिलने वाले हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट मिलेंगे, 6 सेक्शन और रिलेटिव स्कोरिंग आपकी होगी. चलिए 6 महीने रह गए हैं केवल आपके प्रीलिम्स में. अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए. अनअकैडमी के जितने भी लेटेस्ट कोर्स है 21 दिसंबर से यहाँ पे अनअकैडमी ने अपने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं. 6 महीने का कोर्स जो 2021 के लिए है, फिर उसके बाद 1 साल का कोर्स जो 2022 के लिए है, सेम उसी तरीके से 2 साल का कोर्स 2023 के लिए. तो ये सारे बैचेज आपके ऑन हो चुके हैं तो इन सभी पे आप अपने आपको रजिस्टर करा सकते हैं. तो जितनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आप इन सभी का फ़ायदा पूरी तरीके से उठा पाएंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सारे कोर्सेज आपके सामने हैं. बायलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश. तो आपको लैंग्वेज का किसी तरीके का बैरियर नहीं रखा है अनअकैडमी ने. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे प्राइस हाइक. तो अनअकैडमी पे अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है उसकी अब आपकी प्राइस बढ़ने जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पे आप जितना जल्दी हो सके इसे अपग्रेड करा लें अगर आप पहले से हैं, और अगर नहीं है तो आप जल्दी जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले लें ताकि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को पूरी तरीके से
क्या कर पाए, उठा पाए, ठीक है, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। चलिए, हम देखते हैं जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी स्पेशल क्लासेस और सब्सक्रिप्शन क्लासेस हैं आपकी खुल जाती हैं और आप इन सभी का पूरी तरीके से पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन सब्सक्रिप्शन क्लासेस के साथ जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स क्रैक इट। तो आज हमारी तारीख है 23 तारीख, 23 तारीख के 2020 के हम करंट अफेयर को आज करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम आज के अपना पहले करंट अफेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें आज MCQ बाद में प्रैक्टिस वाला करेंगे, ठीक है। तो अभी चीज़ों को हम थोड़ा इस तरीके से रखेंगे, पहले करंट अफेयर, फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आगे आपको ये कोशिश की जाएगी कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको MCQ मिले, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस MCQ भी साथ साथ में मिले, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है आपके सामने खुदीराम बोस जी से रिलेटेड, ठीक है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी कहाँ गए हैं, बंगाली रिवोल्यूशनरी थे खुदीराम बोस जी, उनके घर पे गए हैं जो उनका जन्म स्थान था मिदनापुर वेस्ट बंगाल में, उसे वहां पे उन्होंने विजिट किया, ठीक है। तो खुदीराम बोस कौन थे ये आपको जानना होगा। तो ये 1889 में बॉर्न हुए थे, ठीक है, और ये बंगाल के एक बहुत फियरलेस रेवोल्यूशनरीज में माने गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके बारे में, तो इनकी जो लेगेसी थी, इनका जो पूरा काम था इनका रेवोल्यूशनरीज का, जो इन्होंने पूरा का पूरा किया, वो केवल इनका कहाँ पे लिमिटेड था, केवल बंगाल तक में लिमिटेड था, ठीक है। बंगाल से बाहर ये इतना नहीं करे थे, मतलब कुछ इतना रिवोल्यूशन का काम इन्होंने अपने आप को लिमिटेड कहाँ तक रखा था, बंगाल तक रखा था, ठीक है। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन की बात हुई थी तो ये वहाँ पे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे बंगाल पार्टीशन के समय में। और 15 की एज में बोस ने अनुशीलन समिति जो थी, ठीक है, एक सीक्रेट सोसाइटी, उसे ज्वाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद बात यह है सबसे मेन कि इनकी लाइफ जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई थी जब 1908 में, ठीक है, अनेदर रिवोल्यूशनरी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे मुजफ्फरपुर के, उनके ऊपर अटेम्प्ट किया था उन्हें मारने का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं केवल 15 साल के, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाले थे, तो डेंजरस, बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटिनल आइलैंड से। तो वो आपका पूरा हिस्ट्री का पोर्शन था, बेसिक आपको उनके बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो ऐसे कहीं पे भी कुछ भी विजिट होती है, कुछ भी होती है, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड चीजें हैं। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है सेंटिनल आइलैंड्स, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने वार्न किया है किससे, कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है कहाँ पे, सेंटिनल आइलैंड्स पे, तो वहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं उनको क्या दिक्कत इससे हो सकती है, ठीक है। अमेरिकन जो नेशनल थे, एक यहाँ पे जॉन एलन चाओ, ये यहाँ पे गए थे और इन्हें मार दिया था सेंटिनल्स ने, इन्हें किल कर दिया था, ठीक है, एक साल पहले। तो ये भी एक न्यूज़ की बात है, मतलब एक चीज़ की बात है कि यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये जो ट्राइब्स हैं ये सारी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स में आती है, मतलब बाहर की दुनिया से इनका कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आज तक इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। हार्डली एक दो वीडियो हैं जिसमें हमें अवेलेबल है कि इनका थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट हुआ है इनसे, किसी अभी के एडवांस ह्यूमन से। तो बात यहाँ पे ये समझनी होगी, जो सेंटिनल आइलैंड्स हैं आपके कहाँ पे हैं, अंडमान में है, और यहाँ पे कमर्शियल और बाकी स्ट्रेटेजिक गेन लेने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो आइलैंड पे जो पीपल रहते हैं, ठीक है, जो इंडिजिनस पीपल रहते हैं, वो उनके लिए नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि वो अपने उसी कल्चर में जी रहे हैं जो हजारों साल पहले था, ठीक है, वो अभी भी उसी तरीके से हैं पूरी की पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि इन्हें पूरी तरीके से जो है इन्हें आइसोलेट रखा जाए, इन्हें किसी तरीके से परेशान ना किया जाए, ठीक है। तो ये केवल एक लौते नहीं है, ऐसी 75 वन पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स हैं पूरी कंट्री में, इसके ऊपर UPSC पहले से ही क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, UPSC ने पहले से ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक है जो अंडमान निकोबार में मिलती हैं, जैसे कि जिन्हें कहते हैं ग्रेट अंडमानीज, ऑंग्स, चारवास और शॉम्पेंस। तो उसमें से एक आपकी कौन सी है, एक आपकी नॉर्थ सेंटिनल्स भी है, ठीक है। चलिए, मतलब आपके सेंटिनल्स भी हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट, इसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए 5 किलोमीटर का जितना भी एरिया है सेंटिनल आइलैंड के आजू बाजू वाला, ठीक है, उसको पूरी तरीके से हाई वाटर को मार्क कर दिया है ट्राइबल रिजर्व के तौर पे। ठीक है, क्या कर दिया है, ट्राइबल रिजर्व के तौर पे मार्क कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, इस 5 किलोमीटर एरिए में कोई भी एंटर नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से बैन कर रखा है। ठीक है, क्यों, ताकि उनकी लाइफ स्टाइल जो है ट्राइबल्स की वो वैसी की वैसी रहे, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस ना आए। तो यहाँ पे जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, इसको आप मेंस में इस्तेमाल करें, इस वर्ड को, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो मेंस में जब भी आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ को दिखाना हो, दूर से उस चीज़ को देखना, ठीक है, और क्या नाम है, अपने हाथ दूर रखना, तो आप क्या इस्तेमाल करें, आइज ऑन हैंड्स ऑफ। तो आप जब ये ऐसे लिखेंगे अपने मेंस में, आंसर लिखते टाइम मेंस ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइबल्स की जो है पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल्स या ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आईज ऑन एंड हैंड्स ऑफ, ठीक है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है कि हम उन पर नज़र जरूर रखेंगे, ठीक है, बट हम उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए, इससे हम प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड किसके, सेंटिनल ट्राइब्स के। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जितना भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है उसके आजू बाजू का जो पूरा एरिया है उसे कोस्ट गार्ड क्या करती है, पूरी तरीके से देखती रहती है और मरीन पुलिस उसे चेक करती रहती है कि किसी तरीके का कोई भी वहाँ पे पर्सन एंटर ना करे और सर्वेलेंस को पूरी तरीके से वहाँ पे मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, अंडमान आइलैंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरन राइट फॉरनर्स ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद वीजा मैनुअल पासपोर्ट इंडियन पास फॉरेस्ट एक्ट, इन सभी के अंदर इस एरिए को प्रोटेक्शन पूरी तरीके से मिली हुई है। चलिए अब ये वनरेबल्स क्यों हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि जो सेंटिनल्स हैं ये वनरेबल क्यों हैं, ये 60,000 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं और प्रिमिटिव हैं, मतलब ये जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे हैं, बाहर की दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है किसी तरीके से। तो अगर किसी भी बाहर की दुनिया के इंसान से किसी भी तरीके का चीज़ों से इनके साथ कॉन्टैक्ट होगा, तो अगर इनके अंदर किसी भी तरीके के अभी के जर्म्स आ गए तो ये बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे, क्योंकि ना तो इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप है उससे रिलेटेड ना कुछ। तो ये क्या होगा, इससे इस इनकी जो पूरी ये पूरी कम्युनिटी जो है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि इनको आइसोलेट रखा जाए अगर इनको सेफ रखना है तो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये रहा यहाँ पे आपका, ठीक है, ये रहा, ठीक है, अंडमान आइलैंड में आपका आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो ये करना है, हाउ डिस्कस हाउ प्रोटेक्शन ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी कैन बी इंश्योर्ड। तो पीछे जितनी बात हम लोगों ने डिस्कस की है आप इसी को आराम से बढ़िया से लिख सकते हैं 10 मार्कर के लिए बिना किसी दिक्कत में। ठीक है, और रिसेंट इश्यूज को भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इन्हें नॉर्थ टू साउथ जचाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आता है और बाकी जगह भी काम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंडिया के साइड में जितने भी यहाँ पे आपके आइलैंड्स नेशन है, ठीक है, आइलैंड्स जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी की आपको ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लोकेशन पता होनी चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें आप। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, चलिए पता है किसी को, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 4312। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले लक्षद्वीप, ठीक है, फिर मालदीव्स, फिर उसके बाद चागोस आइलैंड, फिर उसके बाद रियूनियन आइलैंड। तो ये सीक्वेंस रहेगा नॉर्थ टू साउथ आपका। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे प्री में निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यूके में आपको अभी इन्फेक्शन जो कोविड 19 है उसका एक नया स्ट्रेन यानी एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है।
ये हुआ क्या है कि अभी नया जो आपको स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, ये किसकी वजह से हुआ? ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है। म्यूटेशन में क्या होता है, जो भी वायरस होता है वो क्या करता है, अपने जीनोम के अंदर चेंज कर लेता है, अपने जीनोम्स में जो होता है उसमें चेंज कर लेता है और एक नया वेरियंट लेके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर रिसेंटली ये सामने आया है कि जो वेरियंट है, ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसको नेम दिया गया है VUI 2020-12-01, ठीक है, ये इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 17 चेंजेस देखे गए हैं म्यूटेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी क्या नाम है, ये जो वाला जो म्यूटेशन है ये पहले वाले जो कोविड है उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि इसका मोर 70% मोर इन्फेक्शन, कम ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये पुराने वाले वायरस से, ठीक है। चलिए, तो ये एक नया एक और चीज़ निकल के आ रही है, मतलब इसका वही है, अपडेटेड वर्जन आ गया है COVID-19 का, तो ये पिछले वाले से भी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये बात कर रहा है, साइंस एंड टेक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द कंसर्न एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन ऑफ COVID-19 वायरस, ठीक है। तो वायरस के इस म्यूटेशन से क्या क्या आपको कंसर्न देखने को मिल सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए, पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस एमसीक्यू, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो इसमें से इसे किसने लॉन्च किया है, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो इसको लॉन्च किया है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं, इंडिया यहां पे कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नेशंस को लेके आए वो अपने कोस्टल रेडार नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहां पे इंडिया भी इसके लिए आगे काम कर रहा है कि बहुत सारे नेशंस को ज्यादा से ज्यादा हो सके कोस्टल रेडार नेटवर्क के अंदर लेके आया जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो एक पूरी चैन डेवलप कर रहा है, नेटवर्क चेन डेवलप कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके वो हाई सीज थ्रेट का। तो अगर समुद्र के अंदर किसी भी तरीके के थ्रेट हैं तो उसे पूरी तरीके से क्या कर सके, उसे मॉनिटर कर सके। चलिए, तो यहाँ पे इसके लिए जो अपने लिटोरल स्टेट हैं, लिटोरल स्टेट्स जो हैं, ठीक है, उसके लिए असिस्टेंस कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग का, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन में इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये पहले भी काम कर चुका है मॉरिशस, सीशेल्स और श्रीलंका, ठीक है। तो ये पहले ही इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं कोस्टल रडार चेन नेटवर्क में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोस्टल रडार स्टेशन जो है मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में पहले से ही प्लान सेटअप किया जा चुका है यहाँ पे सेटअप करने का इन्हें कोस्टल रडार्स को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसी के लिए आगे चल के मैरिटाइम डाटा फ्यूजन जो सेंटर है वो इंडिया में बनाया गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इज अ नोडल एजेंसी फॉर मैरिटाइम डाटा फ्यूजन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम कहाँ देखती है, IMEC देखती है, कहाँ पे है ये ध्यान रखना है आपको, गुरुग्राम में है, ठीक है। पूरा काम कौन देखता है, IMEC गुरुग्राम में, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो क्या है, ये नेवी का जो है यहाँ पे इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडिया अपना लाइजन ऑफिसर बहुत जल्दी भेजने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं IFCIOR के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर
इसमें से सेट किया गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के अंदर सेट किया गया है, कहाँ पे? गुरुग्राम। ठीक है, चलिए तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि ये है कहाँ पे, गुरुग्राम में है। थोड़ा इसलिए दिक्कत लगेगा क्योंकि ये पोस्ट से दूर है ऐसा लगेगा, बट नहीं, यहाँ पे तो केवल मैनेजमेंट का काम हो रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो इंडिया टू ब्रिंग मोर नेटवर्क नेशंस इन टू द कोस्टल रडार नेटवर्क, तो यहाँ पे जितने भी हैं इन सभी नेशंस को कोशिश की जा रही है कि कोस्टल रडार के अंदर ये आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, डिस्कस हाउ ऑब्जर्वर स्टेटस एट द इंडियन ओशन कमीशन हेल्प इंडिया टू सिक्योर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, चलिए तो अब ये क्वेश्चन है जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर चलिए तो क्या होगा यहां पे आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा यहां पे? बोथ, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहां पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ? तेलंगाना में, किन से? किनका? मंकी का। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर मंकीज का बनाया जा रहा है गांधी रमन्ना हरित वनम में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, और सॉरी तेलंगाना में। ठीक है, ये सेकेंड सच फैसिलिटीज है, इससे पहले केवल कहाँ पे अवेलेबल है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन बंदर्स को पकड़ा जाएगा, मंकी को, और इनकी क्या की जाएगी, इनकी अगर कोई चोट वोट लगी है, कुछ भी लगी है, तो इनका ट्रीटमेंट होगा, और साथ में बर्थ कंट्रोल से भी रिलेटेड इन पे काम किया जाएगा ताकि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये रिहैब सेंटर आपका खोला गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये मंकी रिहैब और रेस्क्यू सेंटर यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। सो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा क्या? टू ओनली। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ये केवल क्या करते हैं उसे भेजते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, वर्मी डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, चल। और मकैक मंकी जो है शेड्यूल टू में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में। तो काटो इंस्टीट्यूट जो है यूनाइटेड स्टेट की और फ्रेशर इंस्टीट्यूट जो है कनाडा की, उन्होंने दोनों ने मिलकर इसमें इसे लॉन्च किया है। 76 इंडिकेटर्स हैं पर्सनल, सिविक और इकोनॉमिक फ्रीडम से रिलेटेड। इंडिया को 111 प्लेस पे रखा गया है आउट ऑफ 162, और यहाँ पे जो रैंक है, ठीक है, इसमें 110 रैंक पे रखा गया है पर्सनल फ्रीडम पे, और 105 रखा गया है इकोनॉमिक फ्रीडम पे। ठीक है, ओवरऑल स्कोर जो इंडिया को दिया गया वो 6.43 दिया गया आउट ऑफ 10। ठीक है, चलिए हाय अभी, चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है उसने टॉप किया है इस इंडेक्स में, और स्विट्जरलैंड, और उसके बाद है आपके हांगकांग। ठीक है, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उन्हें 129, 139 और 140 पोजीशन मिली है रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं यूएनएपी की जो रिपोर्ट आई है CO2 एमिशन के बारे में। ठीक है, तो यूएनएपी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, किससे रिलेटेड? CO2 के इमिशन से रिलेटेड। तो CO2 आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसके कारण आपको पता ही है क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो जब भी आपसे किसी भी तरीके से अगर ग्लोबल वार्मिंग के इशू पे आता है, तो आप आराम से UNEP की इस रिपोर्ट को पोर्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो निकल रहे हैं उन्हें आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें UNEP ने हाईलाइट किया है CO2 एमिशन के बारे में, और कहा है कि बिल्डिंग सेक्टर जो है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रहा है क्या? CO2 का एमिशन। ठीक है, गुड मॉर्निंग।
बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रहा है CO2 का एमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात ये हो रही है कि जो बिल्डिंग सेक्टर है वो मोर देन थर्ड ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए काफ़ी लोग अब आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कल से आपकी 7 o'clock ये क्लास फिक्स हो गई है, 7 AM। ये हमेशा आपकी फीडबैक क्लास रहेगी रहेगी, इसमें परिवर्तन के चांसेस अब बहुत कम रहेंगे, ठीक है। ये रोज होगी और हमेशा फिक्स होगी, ठीक है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है बिल्डिंग सेक्टर से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जो टोटल ग्लोबल एमिशन है बिल्डिंग ऑपरेशंस का वो तकरीबन 28% है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है वो तकरीबन क्या है, 10% है, ठीक है। तो अच्छा खासा एमिशन है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। तो अगर हम इस सेक्टर को थोड़ा सही से क्या करें, रैशनलाइज करें, ठीक करें, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो CO2 का एमिशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और आम बात है ग्लोबल वार्मिंग पे हम क्या कर पाएंगे, इसमें काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। गुड मॉर्निंग। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं ये देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप लिया है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। किसने बनाई है, CIFF ने, CII ने, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको बनाया है, कब, 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बनाया है और यहाँ पे ये क्या करती है, रेटिंग करती है किसकी, रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, कि वो किस तरीके से आपके जो है CO2 एमिशन या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड किस तरीके से वो जो कंस्ट्रक्शन है जो हुआ है बिल्डिंग का वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो ये सस्टेनेबल बिल्डिंग एनवायरनमेंट की बात करता है और उससे रिलेटेड ये क्या करता है, आपको बिल्डिंग के सर्टिफिकेशन देता है। और इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये इससे रिलेटेड, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन से, ठीक है। चल, तो अब UNEP की रिपोर्ट में क्या है, ग्रीन रेटिंग जो है उसके लिए एक और चीज़ इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, गृहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहा का मतलब है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स को किस तरीके से रेटिंग करेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है कि एक बिल्डिंग जो है किस तरीके से इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही है, उसकी क्या रेटिंग बनती है, कि वो कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, और वो कितनी ऐसी नहीं है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, हर जगह ये न्यूज़ में पढ़ने को मिलती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आम बात है एक बिल्डिंग है अगर वो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रही है पूरे दिन में, और अगर आप उसमें थोड़े से क्या करें, तरीके इस्तेमाल करें, और इस तरीके से करें कि जैसे उसमें आप थर्मोकॉल लगा दें तो आपको ज़्यादा AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ऊपर कप्स लगा दें जिससे हमको और इंसुलेशन मिले, ठीक है। गर्म और ठंडा करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करें जिसमें एनर्जी कंजम्पशन ना हो। तो एक तरीके से 100 यूनिट के बदले अगर आप उसमें 70 यूनिट भी करते हैं, कंजप्शन 30 यूनिट का भी कम कर देते हैं, तो ये 30 यूनिट जो आप बता रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आपका ये क्या है, एक्स्ट्रा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कोल बर्न होगा उसे आप काउंटर करेंगे। तो ये भी ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में ही माना जाएगा, ठीक है। जिसमें जैसे आप सोलर सेल लगा लें और सोलर सेल का सिस्टम यहाँ पे कर दें, तो बहुत सोलर एनर्जी यूज करें तो, ठीक है। तो एनर्जी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जारी करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सी बिल्डिंग कितनी एनर्जी सेविंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बात करते हैं, एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है यहाँ पे, इको निवास, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडिया वे ऑफ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑनलाइन इंटरेक्टिव टूल है जहाँ पे अवेयरनेस बताई जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। मेन चीज़ क्या है, देखिए हर चीज़ को बेहतरीन करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अवेयरनेस फैला दीजिए भाई। अगर आप अवेयर कर देंगे लोगों को, ठीक है, तो लोग अपने आप, ये छोटी सी चीज़ होती है कि खिड़की के अगर अगर आगे आप थर्मोकॉल लगा दें, ठीक है, इन सब जगह थर्मोकॉल लगा दें, तो आपको एनर्जी AC की इतनी कम जरूरत नहीं पड़ेगी AC की, ठीक है। आपका घर ऐसे भी ठंडा रहेगा। तो थोड़ी सी अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते टाइम थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान दिया जाए, तो आम बात है आप इतना एनर्जी को कंजम्पशन कम करेंगे, और आम बात है उसके लिए और एनवायरमेंट को आप सस्टेनेबल करेंगे, CO2 का एमिशन कम होगा, ठीक है। तो ये अवेयरनेस से होगा, इसके लिए तो मेन चीज़ अवेयरनेस है, तो इको निवास इसके लिए काम करता है। फिर उसके बाद एक और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दैट इज़ लीड है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें भी ग्रीन बिल्डिंग का ही रिलेटेड ये पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे बिल्डिंग को ग्रीन रेटिंग दी जाती है कि वो कितनी है।
आप कभी भी कहीं पे भी सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं इंडिया में जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन आर्किटेक्ट ने उनको डेवलप किया है, और कुछ तो ऐसे हैं जो 100% अपनी पूरी खुद की एनर्जी खुद चलाते हैं। ठीक है, मतलब वो कोई तरीके की एनर्जी बाहर से नहीं रिसोर्स करती, सब नेचुरल तरीके से वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी यानी लाइटनिंग से लेके हर चीज़ को वो मेंटेन करते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट है टेरी, भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है ग्रीन बिल्डिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हुआ CO2 एमिशन से रिलेटेड। क्वेश्चन आंसर हम अभी बाद में कर रहे हैं तो थोड़ा उसे आगे थोड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बैंकिंग। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत अलग सी आई है कि वर्ल्ड बैंक जो निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे बहुत इररेगुलरिटीज देखी गई हैं, बहुत ज़्यादा इररेगुलरिटीज देखी गई हैं, और चाइना जो है अभी रैंक के हिसाब से जो है स्लिप हो गया 87 रैंक से 78 रैंक पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इररेगुलरिटीज देखी गई हैं इसमें। तो यहाँ पे अभी देखिए तीन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इनकी भी रैंकिंग चेंज हुई, सऊदी अरेबिया और उसके बाद अजरबैजान की, UAE और अजरबैजान की। बट इन सब चीज़ों से कुछ भी हो, इंडिया की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इंडिया की पोजीशन सेम उसी तरीके से रही, इंडिया की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी इररेगुलरिटीज थी वो वैसी की वैसी रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 10 इंडिसेस। ठीक है, कि कौन कौन इंडेक्स के ऊपर ये जो ग्रीन रेटिंग है आपकी की जाती है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या आपके इंडिकेटर है, तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना आसानी है कितनी मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन परमिट पाने में कितना आसान है कितना मुश्किल है, इलेक्ट्रिसिटी को पाना कितना आसान है कितना मुश्किल है, रजिस्टर कराना प्रॉपर्टी को कितना आसान है कितना मुश्किल है, क्रेडिट लेना कितना आसान है कितना मुश्किल है, इन्वेस्टर्स का जो प्रोटेक्शन है वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, टैक्स पेइंग सिस्टम कैसा है, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर कैसी है, एनफोर्समेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट अगर हुए हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा हम क्या हुए थे, बहुत लैग कर रहे थे लगातार एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में, इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे हैं कि नहीं है। फिर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, तो लगातार गवर्नमेंट इन दो सेक्टर्स पे बहुत काम कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए और इंसॉल्वेंसी को, क्योंकि इसमें हम बहुत सालों से लगातार खराब परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या होता है, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अगर आपका इम्प्रूव रहेगा, इसकी रैंकिंग इम्प्रूव रहेगी, तो आम बात है जितनी भी कंपनीज हैं ग्लोबल कंपनीज हैं उनको एक यहाँ पे दिखेगा कि अगर इस कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ, अपना बिजनेस करूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर बिजनेस करने आएगी तो आम बात है वो इंडिया की ग्रोथ में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है लगातार इसके इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हिमालयन तिरुलम। तो हिमालयन तिरुलम क्या है, ठीक है, इसे नागचत्री भी कहा जाता है लोकल एरिया में। ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेट सब अल्पाइन जोन पे, ठीक है, मिलती है। ठीक है, और सबसे बात यह है कि 2,2400 से 4,000 की ऊंचाई पे मिलता है। ठीक है, और अब दूसरी बात यहाँ पे समझना यह है, क्या है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN की किस कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बात ये हो रही है इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब 50% इसके डिक्लाइन को देखने को मिला जा रहा है। तो ये स्पीशीज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान। और इसके डिक्लाइन का कारण क्या है, ओवर एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, लॉन्गर लाइफ साइकिल, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, मेच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ओवर क्वालिटी कैपेसिटी ऑफ सीड डिप्रेसल, तो सीड जो है बहुत मुश्किल से इसके डिप्रेस हो डिस्पर्स हो पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है, इसका जो यूज़ होता है वो बहुत सारी जो डिसीज़ है उनको क्योर करने के लिए होता है, जैसे डिसेंट्री, वाउंड, स्किन बॉयल, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, इन सब डिसीज़ को, ये मेंस्ट्रुअल पेन को भी ये ठीक करने के लिए और सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ये प्लांट। ठीक है, अब बात यह है इसी इसके यूज़ के कारण इसका ओवर एक्सप्लॉटेशन हो रहा है जिसके कारण ये ख़त्म होते जा रहे हैं, इसीलिए इनको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है IUCN द्वारा। ठीक है, एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर और एंटी एजिंग एजेंट भी पाए जाते हैं इसमें, मतलब आपकी जवानी को बनाए रखने वाले। ठीक है, चलिए, तो अब आपको बारे में इसे बताना है, हिमालय टेरुलम ट्रक जो है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए,
चलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छी आकांक्षा, सी कह रहे हो। चलिए बाकी लोग जवाब देने की कोशिश करें। चलिए सी। चलिए तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी पीछे किया था कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। किसमें है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, तो ये गलत, तो ये गलत, दो तीन चार बचा। तो हमें देखने पड़ेंगे दो तीन और चार ऑप्शन सही है कि नहीं। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है। दस टारगेटेड अप्रोच कैन बी हेल्प इन देयर प्रोटेक्शन। नहीं, तो ये शॉर्ट लाइफ नहीं है इनका। तो रिप्रोडक्शन जो लाइफ वाला साइकिल है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, लाइफ इनकी बहुत लंबी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। यहाँ पे डाटा आ गया है रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ सर्वे है जिसमें 17 स्टेट 5 UTs में इसे कराया गया है। इससे पहले 4 सर्वेस जो हो चुके हैं उनको रेफर किया गया, 92, 98, 2005 और 2015 वाला। ठीक है, और यहाँ पे एक बात देखने को मिली है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो है वो फिर से इंक्रीज कर गया है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, किससे रिलेटेड है? इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टैलिटी से रिलेटेड होगा, आम बात है। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग से रिलेटेड होगा। प्रोपोर्शन टू अंडरवेट चिल्ड्रेन से रिलेटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती है? माल न्यूट्रिशन में आती है। ठीक है, याद ना रहे तो ध्यान रखना, वेस्टिंग मतलब वेट कम है, ठीक है, वेट कम है तो वेस्टिंग हो गया। तो ऊपर वाला स्टंटिंग का मतलब हाइट कम है, ठीक है, एज के हिसाब से वेट कम है, एज के हिसाब से वेट कम है, ठीक है, वेट कम है, हाइट कम है, तो इसी को कहते हैं हम लोग माल न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बात देखने को मिली है, 2014 से लेकर 19 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं ये बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है पहले वालों से। ठीक है, तो अगर माल न्यूट्रिशन है तो आम बात है इनकी कॉग्निटिव और फिजिकल जो डिफिशियंसीज है वो इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, और एट लास्ट क्या होगा, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट है, वो बाकियों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो ये नेशनल वाइड पूरा सर्वे कराया गया NFHC के द्वारा। ठीक है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, और इसे किसने क्या नाम है, इसने किसको डेजिग्नेट किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस जो मुंबई है उसको नोडल एजेंसी डिनोट किया है इस काम को पूरी तरीके से करने के लिए। और इसे फंड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी जो है आपकी USAID, ठीक है, वो इसे फंड करती है विद यूनिसेफ, यूनिसेफ के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए, और 131 पैरामीटर्स के ऊपर ये पूरा बेस्ड होता है आपका। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है हमारा झारखंड लेके आया है साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले 5 साल में 4,800 केस देखने को मिले झारखंड में साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे झारखंड इसके लिए एक स्कीम लेके आया है, ठीक है, वुमेन को प्रोटेक्शन करने के लिए और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर क्राइम से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन, फॉरेंसिक रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस क्रिएशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये लगातार साइबर क्राइम सब इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड हर स्टेट अब अपने से भी इसमें काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने से करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अब आगे आ रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा इंडिविजुअल्स को, अब ये सारा आप मेंस में आप लिख सकते हैं कि साइबर क्राइम से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सीधा सीधा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स को बताना चाहिए, पहली बात तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि साइबर क्राइम की चीज़ें किस तरीके से होती हैं, आप कैसे खुद को बचाएं। ठीक है, दूसरा सिस्टम को रोबूस्ट करें, मॉडर्नाइज करें पुलिस को, ठीक है, ताकि वो साइबर क्राइम को ट्रैक कर सकें। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जो हैं वेरियस स्कूल और कॉलेजेस में उनको ट्रेन करें कम्युनिटी लेवल पे, ताकि उन्हें बताया जा सके, वो कम्युनिटी पॉलिसी करे पॉलिसिंग करें और वो इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख सकें। अवेयरनेस कैंपिंग चलाएं, 1 डे वर्कशॉप चलाएं, ऐसे और क्या नाम है बाकी सब चीज़ों को करें स्कूल और अदर लेवल पे, ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा जितना भी करंट अफेयर था आज का वो हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, आगे से आपको करंट अफेयर के प्लस उसके MCQ 7 वाले ही मिलेंगे जैसे मिलते आ रहे थे। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ थोड़ी आज की सीरीज
पीपीटी लेट होगी थी तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, उसके क्वेश्चन आपके आगे वाली स्लाइड्स में मिल जाएंगे आपको। तो अब हम अपना करने जा रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू के सेशन को, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे इसी के साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका मेन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के एमसीक्यू को रोज़ प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप क्या कर सकें, इनमें और ज़्यादा बेहतरीन अपना कर सकें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको नॉर्थ टू साउथ जचाना है किनको, इन सभी आइलैंड्स को। चल, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप इसका क्या है, आपका है बी, 4321, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लक्षद्वीप आएगा, फिर उसके बाद मालदीव, फिर उसके बाद आपका चागोज आइलैंड, क्या नाम है, चागोज आइलैंड, देन आपका रियूनियन आइलैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, सिक्वेंस हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। रोशनी एक्ट जो है कभी कभी आपको न्यूज में दिखता है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। चलिए, रोशनी एक्ट जो है आपका ये किस स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब किस, कहां से रिलेटेड है? न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब या नन ऑफ द अबव? तो ये आपका किससे रिलेटेड है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कहाँ से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो रोशनी एक्ट जो है आम बात है कश्मीर से रिलेटेड है, वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप राइट टू द ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट लैंड की बात जो थी, ठीक है, वो ट्रांसफर करने की बात हो रही है टू इन ऑक्यूपेंट्स, पेइंग ऑफ द फीस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? कश्मीर से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पोषण अभियान से रिलेटेड है, इसको सॉल्व करें। चलिए, पोषण अभियान, ए। चलो, ए नहीं होगा यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 1 और 2, ठीक है। क्योंकि जो टारगेट है वो पूरा एलिमिनेट करने की बात नहीं की गई है, केवल कुछ परसेंटेज की बात की गई है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो पोषण अभियान है माल न्यूट्रिशन से खत्म करने के लिए, इसके जो टारगेट सेट किए गए हैं 0 to 6 के लिए रखा गया, 38 to 25% बाय 2020। तो पूरा एलिमिनेट करने की बात नहीं की गई है, कंप्लीट एलिमिनेशन की नहीं, इतना रिड्यूस करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए, कौन लेके आया? नीति आयोग के अंडर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तिस्ता के अलावा इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, किन
नदियों के बीच में डिस्कशन हो रहा है वाटर शेयरिंग से रिलेटेड, आपको ये बताना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा डी। तो सारी जितनी रिवर्स हैं इन सारी रिवर्स के ऊपर हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4 इन सभी रिवर्स के ऊपर क्या हो रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या नाम है, डिस्कशन चल रहा है रिवर क्या नाम है, वाटर शेयर से रिलेटेड, ठीक है? चल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, इनमें से कौन सी रिवर है जो आउटसाइड ओरिजिनेट होती है इंडियन टेरिटरी के, जो इंडियन टेरिटरी के बाहर ओरिजिनेट हो रही है? तो सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्टैटिक के साथ है। चलिए, कौन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर विल बी ए, केवल ब्रह्मपुत्र और सतलुज, चिनाब और रावी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आपकी ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है? चलिए, तो सतलुज का क्या है, लेक रसकाल तिब्बत में, और चिनाब का क्या है, लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और रावी रिवर बारा बांग्ला डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपकी होती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मियावाकी, ये कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता है, ये क्या है आपको ये बताना है। मियावाकी कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता है, ये क्या है? चलिए, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अपने मेंस में, इसका मेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, करेक्ट आंसर ए, बहुत अच्छे, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। किससे? एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो एक टेक्निक है जिसे जापानीज के जो बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी ने, उन्होंने इसे डेवलप किया है। बहुत सारे नेटिव फॉरेस्ट को एक साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे डेंस और नेटिव फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम है। 30 टाइम्स ज़्यादा आपको डेंसर देखने को मिलेगी, ग्रोथ 10 टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगी इस टेक्निक से। और यहाँ पे क्या किया जाता है, नेटिव स्पीशीज़ को बहुत सारी को एक साथ उठा के क्या कर दिया जाता है, एक एरिया में उठा के लगा दिया जाता है, और कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं पूरी तरीके से। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है नगरोना खरभाग कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है रिसेंटली, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। चल, नाकोरोना खरभाग कॉन्फ्लिक्ट, चलिए कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये आपका क्या है, एक इथनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, लगातार रशिया ने इनके बीच में मीडिएशन का भी काम किया, ठीक है, डील को ब्रेक करने का, ठीक है? तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है? चलिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट पार्लियामेंट हाउस जो है अभी वाला जो है आपका, ठीक है, जो प्रेजेंट है, नया वाला जो बनने की बात हो रही है वो नहीं, तो इससे रिलेटेड आपको क्या नाम है, सही पॉइंट बताने हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है उससे रिलेटेड। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? दिस इज योर आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है ये इंस्पायर है 64 योनी जो टेंपल है उस पे, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद इसे बनाया गया, ठीक। दूसरी बात कह रहा है एडविन लूटन जो थे, सर हार्बर्ट बाकर थे, इन्होंने इसे डिज़ाइन किया। तो यार सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट जो है हमारी ये पहले से बनी हुई थी,
डिपेंडेंस की बात की तो कोई बात ही नहीं, सेकंड गलत है तो फिर आप आराम से इसे हटा सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, और 64 योनि पे ही बना हुआ है, उसी के ऊपर बना हुआ है, तो फर्स्ट भी आपका सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 1 एंड 3। ठीक है, तो सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर से बनाया गया था संसद भवन को आपके। ठीक है, 64 योनि जो टेम्पल है आपका कहाँ पे, मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, उसी के डिजाइन पे इसको बनाया है। ठीक है, हर्बर्ट बाकर ने, एडविन लाइटन ने इन्हें बनाया था। ठीक है, और दिल्ली से जब कोलकाता से दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट हो गई थी तो उसके बाद इसी की चीज़ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन तैरिलम, अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर भी आप लोग इसे एक बार वापस सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड हब है, हमने अभी देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड है, तो ये गलत हो जाता है सीधा सीधा इससे रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, केवल क्या है, एंडेंजर्ड है, केवल क्या है, एंडेंजर्ड है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 एंड 3 हमारा आ रहा था। ठीक है, शॉर्ट नहीं लॉन्ग लाइफ साइकिल है इसका। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अब आपके सामने, आपसे आपको इसका नाम ध्यान रखना है, नाग छत्री, क्योंकि इस तरीके से इसे पूछा जा सकता है आपसे, नाग छत्री क्या है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइलैंड जो है रिची आर्चिपेलागो में वो कौन सा है, आपको ये बताना है, रिची आर्चिपेलागो में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं पता होगा, ध्यान रखिएगा, हैबॉक आइलैंड जो है रिची आर्चिपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, हैबॉक आइलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आपको ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर इसके बारे में सही बताना है, आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया, किससे, साइंस एंड टेक से। चलिए इसको अटेम्प्ट करें, चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है सी आपका, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आपका जो ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर पाथफाइंडर जो है, ठीक है, ये क्या है, किसने डेवलप किया, कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, रेडियो सिग्नल्स का यूज करता है स्काई का, और इससे क्या करता है, यूनिवर्स की वेवलेंथ को ये रीड करता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, रेडियो टेलीस्कोप को कहते हैं इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इस टाइप के टेलीस्कोप को इंटरफेरोमीटर कहा जाता है, 36 एंटीना लगे हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से अपना काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट 2019 जो है ये कौन रिलीज कर, किसने रिलीज किया था। ठीक है, चलिए किसने रिलीज किया है ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट 2019, तो किसने किया है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट को। ठीक है, 2019 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैन इसिडोरो मूवमेंट जो है ये किस कंट्री में रिसेंटली आपको देखने को मिला है, कहाँ का रिलेटेड है। ठीक है, सैन इसिडोरो मूवमेंट जो है किस कंट्री का मूवमेंट है,
चलिए, कहाँ से रिलेटेड है ये? क्यूबा से। ठीक है, कहाँ से? क्यूबा से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे इस तरीके से इसमें लाया गया कि जो नेशनल जो कल्चर मिनिस्ट्री थी वो क्या कर सकती थी, किसी भी इलीगल आर्टिस्ट के काम को रोक सकती थी, उन्हें अपना काम करने से रोका जा सकता था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी को कौन फंड कर रहा है, किसने लॉन्च किया? चलिए, किसने लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक वैक्सीन फैसिलिटी एक्सेस फैसिलिटी को? इसे किसने लॉन्च किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए। आम बात है, वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड काम यहाँ पे किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया, वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट? ठीक है, जस्ट हमने 2 दिन पहले इसे करंट अफेयर में किया भी है। चलिए, 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया वोकेशन एजुकेशन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? चलिए, तो किसने? यूनिसेफ, यूनेस्को ने इसको किया है। ठीक है, चलिए, किसने लॉन्च किया है इसको? यूनेस्को ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, 2 दिन पहले हमने फिर से किया था क्वेश्चन हिमालय शेरों के ऊपर। ठीक है, शेरों के ऊपर, तो फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके रिविजन और बाकी बार बार प्रैक्टिस के लिए आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो हिमालयन शेरों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका? बोथ, दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो 180 बोथ आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ठीक है, हार्बीवोरस भी है और प्रोटेक्शन उसे शेड्यूल 1 में दिया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अब बात कर रहे हैं मिस्टेरिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग के बारे में। ठीक है, ये किस रीजन में मिलता है? ये भी 2 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए, किस रीजन में मिलता है ये आपको बताना है। जस्ट 2 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड। चलिए, सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, कहां मिलते हैं ये? वेस्टर्न घाट्स पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ए। लुम्बोम्बो माउंटेन्स जो है वो किस कंट्री में है, आपको ये बताना है। लुम्बोम्बो माउंटेन्स किस कंट्री में है, आपको ये बताना है।
चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका A1 and 2। ठीक है, नामीबिया में नहीं पढ़ते आपके, ठीक है, साउथ अफ्रीका और इस्तावांती में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्वाजीलैंड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा मलेरिया पैरासाइट है जो ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए कौन सा मलेरिया पैरासाइट है जो ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए ठीक है, सारे के सारे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बारे में गैनेमाइट्स, ठीक है, गैमेनाइट्स के बारे में भी हमने किया है पिछले जस्ट 2-3 दिन पहले ही, इसको भी हमने किया था। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करते चलना है, तो इसी तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी, रिवीजन प्रैक्टिस दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। सो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका होगा करेक्ट आंसर विल बी 1, ठीक है, क्योंकि ये सीरस से नहीं होता, ये सीरस से नहीं होता है, हमने किया है पिछली क्लास में, ये किससे होता है, फैथॉन से होता है, ठीक है, फैथॉन, ठीक है। चलिए चलिए, मैंने आपसे पूछा था कि जब ये आते हैं तो अर्थ के किस एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, आपको ये बताना है कि जो मेटॉर्स आते हैं, जब मेट्रॉइड्स, तो ये किस अर्थ के किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ये बर्न हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेसोस्फीयर, किस में, मेसोस्फीयर में बर्न होके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी रिवर से, इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों जो ऑप्शन है, दोनों के दोनों आपके ऑप्शन गलत हैं पूरे तरीके से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइदर 1 और 2, दोनों के दोनों ही आपके पूरी तरीके से गलत हैं, ठीक है, क्योंकि जो महानदी रिवर है, ठीक है, वो थर्ड लार्जर पेंसुलर इंडिया है आफ्टर गोदावरी कृष्णा, ठीक है, और उड़ीसा की लार्जेस्ट है, ठीक है, और महानदी जो है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, साउथ ऑफ अमरकंटक, ठीक है। चलिए और जो कैचमेंट एरिया है इसका बेसिन का, वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, ठीक है, और स्मॉलर पोर्शन झारखंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है, तो सेकंड वाला जो है आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से रिलेटेड है और ट्रांस रीजनल मैरिटाइम नेटवर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट हमने ऊपर भी किया है इसे अभी।
चलिए, क्या है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी, बोथ, वन एंड टू दोनों के दोनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं जो दोनों के दोनों सही हैं पूरी तरीके से। ठीक है, ऊपर हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं और इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, आपको ये बताना है कौन सा स्पोर्ट्स है इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, तो ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको लगेगा स्पोर्ट्स तो पूछता नहीं है, बट ये आपके क्या है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चल, क्या होगा करेक्ट आंसर? गतखा, कलारीपट्टू और थांगथा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको डी, बोथ, वन टू एंड थ्री, क्योंकि ये तीनों के तीनों मार्शल आर्ट्स को इसमें जोड़ा गया है। गतखा कहाँ का है ध्यान रखिएगा, पंजाब का। ठीक है, कलारीपट्टू कलारी यानी केरला साइड का है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद और भी है। ठीक है, हियांग लेगोंग मणिपुर का, ये सब आपसे पूछे गए, कई बार यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, और हियांग लेगोंग के जो दो कंपोनेंट हैं, एक तो थांगता आर्म कॉम्बैट और उसके पास सराई सारा जो अनआर्म्ड फाइटिंग कॉम्बैट है। ठीक है, तो ये सारे आपके किससे रिलेटेड हैं, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी वाला ही खेल है। ठीक है, हमने जस्ट ऊपर इसको किया है। चलिए, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एनिमल को वर्मी। ठीक है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट केवल रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये वाला गलत है और सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही है बिना किसी दिक्कत के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर वन बी, ओनली, सॉरी, हाँ नहीं, ये ऊपर वाला गलत है, तो बी यानी ओनली टू। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे आराम से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करें और आपको बताना है ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये किसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं आपको ये बताना है। तो ये थोड़ा थ्योरी का पोर्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका? दैट विल बी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगा? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू की प्रैक्टिस और साथ साथ में डेली करंट अफेयर भी। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सीरीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। करंट अफेयर को हम डेली तौर पे क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है और आप उनके फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझते रहें। साथ साथ में हम लोग रोज प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा पैटर्न का समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से बन के सामने आएंगे। ठीक है, अनअकैडमी यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर्स लेके आया है। एक तो आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, जो आपको पर्सनल मेंटर दे देता है और इसके बाद आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन का, जिसके भी आप ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी को बहुत ज़्यादा औसम बना सकते हैं। तो इन दोनों सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बूस्ट और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अलो क्वालिटी कोड का इस्तेमाल करना है, जिसपे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। सो यूज़ माई कोड अलो क्वालिटी टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी ऑन सब्सक्रिप्शन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।